इंडियन नेवी के जो अभी INCET की फॉर्म आई है, इसमें जो है वो अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको एक वैलिड जो है वो SC या फिर ST कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तो आपको जो है वो रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल पाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्लियरली मैंसनड है कि आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए SC या फिर ST। ये जो H नंबर क्लॉज है, इसको क्लियरली ध्यान से आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है, द SC और ST कैंडिडेट शुड बी इन पोजिशन ऑफ लेटेस्ट कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर क्लेमिंग एज और अदर रिलैक्सेशन एंड रिजर्वेशन एंड प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑन रिमांड। तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसका जो फॉर्मेट है वो वही पुराना वाला फॉर्मेट है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यही एक पेज का फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट पे आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने अभी तक सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लो। और अब ये सर्टिफिकेट जो है वो आप कैसे बनवाओगे, तो अपने नियर बाई जो है वो ब्लॉक में आप चले जाना, या फिर कई जगह ऑनलाइन भी होता है, तो ब्लॉक में या फिर सर्कल ऑफिस में या फिर कई जगह तहसील कहते हैं, तो इन सभी जगह पे आप जो है वो जाके ऑफलाइन भी कर सकते हो या फिर ऑनलाइन भी अप्लाई कर दोगे, तो आपका जो है वो सर्टिफिकेट बन जाता है। तो आपको जो है अपना सर्टिफिकेट ऐसे बनवाना है। और SC की चीज़ें अलग रहती हैं, ST की अलग रहती हैं, लेकिन फॉर्मेट सेम ही है। लेकिन जब आपकी सर्टिफिकेट बन के आएगी तो उसमें और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप जो है वो स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आप जो है वो आचार प्रसाद की वीडियोस देख सकते हो, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है और अगर आप उसको सटीक सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप इनके वीडियोज़ देख के आपको काफ़ी क्लैरिटी आएगी। आप इनके ऐप पर भी जा सकते हो, आचार प्रसाद ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। इनके चैनल पर आप देखोगे तो लगभग जो है वो 4 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो जुड़ चुके हैं। और इनकी जो वीडियोज़ होती है वो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होती है, जो कि काफी जो है वो आपको इंसाइटफुल एजुकेशन यहां पे मिलता है। तो आप जो है वो इनकी वीडियोस और ऐप को एक बार जरूर देखना, नाम याद जरूर कर लो, आचार्य प्रशांत। मैं थोड़ा डिफरेंट रहेगा, तो देखो ऐसा जो है वो एक पेज का ये सर्टिफिकेट बना हुआ है एक कैंडिडेट का, तो ऐसा ही कुछ सर्टिफिकेट आपका भी रहेगा। इसमें जो है वो क्या क्या मेन चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर रहता है, यहाँ पे सर्टिफिकेट का डेट रहता है, और ये एक पेज का फॉर्मेट है। तो ऐसे ही फॉर्मेट पे आपका सर्टिफिकेट रहेगा। और ये देखो फॉर्मेट है, और नीचे में जो है वो ऑफिसर का साइन रहेगा। तो जिस भी ऑफिसर से आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हो तो उनका सिग्नेचर रहेगा। ये यूजुअली तहसीलदार से अगर आप सर्टिफिकेट बनवाओगे तो आपका सर्टिफिकेट चल जाएगा, लेकिन आप अपर रैंक के ऑफिसर से भी बनवा सकते हो। तो आपका जो है वो सर्टिफिकेट एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होता है ऐसा इस फॉर्मेट पे, तो आपको कैंडिडेट जो है वो कैंसिल भी हो सकता है और आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं भी मिलेगा। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट हो, वरना आपको जो है वो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। एंड फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप जो है वो मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, तो आप जो है वो टेस्ट बुक ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हो। और इसमें आप देखोगे कि बहुत सारी जो है वो डिफेंस की एग्जामिनेशंस के लिए आप जो है वो टेस्ट सीरीज ये सब लगा सकते हो, और भी अदर एग्जामिनेशंस के लिए, रेलवे, SSC, बैंकिंग, इन सभी के लिए भी जो है वो डिफेंस के भी एग्जामिनेशंस के लिए भी आप जो है वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके लिए जो है वो अगर आप इसका पास परचेस करोगे तो पास जो है वो पास प्रो आपको परचेस करना पड़ेगा, तो आप जो है इसका पास प्रो परचेस करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको एक कूपन कोड देता हूँ, JBYY16। इस कूपन कोड को आप अप्लाई कर दोगे तो आपको फ्लैट जो है वो 10-20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप जो है अपनी तैयारी अच्छे से कर पाओगे। सो आप जो है वो इस टेस्ट बुक की मदद से अपना जो है वो प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो, और एक बार ज़रूर जो है वो ऐप को आप इंस्टॉल करके टेस्ट सीरीज़ का फ्री जो मॉक टेस्ट होता है उसे देने का कोशिश करें। और अगर आप पास परचेस कर रहे हो तो कूपन कोड ज़रूर अप्लाई कर दें।